ओम शांति। जीवन में हर एक मनुष्य को प्यार चाहिए। प्यार हर एक के जीवन का आधार है, लेकिन कभी कभी उस प्यार को हम बाहर ढूंढते हैं। ज़्यादातर उसको लोगों में, रिश्तों में ढूंढते हैं, और कभी कभी महसूस भी होता है, हम उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, जब हमें ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे हमें एक्सेप्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो थोड़े पलों के लिए हमें वो निस्वार्थ प्यार महसूस होता है। हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, कभी कभी उस मनुष्य पर डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, और कभी कभी तो सिर्फ उस प्यार को प्राप्त करने के लिए सब कुछ उसके अनुसार करना शुरू कर देते हैं। वो जो कहता है वैसे खाना पीना, रहना पहनना, केवल कि उस आत्मा का हमें प्यार मिलता रहे, वो हमें स्वीकार करती रहे। ये भी नहीं हम देखते कि वो राइट है कि वो रॉन्ग है, जिसको प्लीजिंग एटीट्यूड कहते हैं, बस सामने वाले को खुश करना। पर हम सबको अनुभव है कि थोड़ा समय तो वो एक्सेप्टेंस हमें मिलती है, लेकिन फिर जल्दी ही वो एक्सेप्टेंस एक्सपेक्टेशन में भी बदल जाती है। वरना जो कभी हम पहले पूरा हमें स्वीकार करता था, फिर उन्हों को हमारे से अपेक्षाएं भी होने लगती हैं, और जब हम उनकी अपेक्षाओं पर उतर नहीं पाते, तो वही आत्माएँ जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन्हीं से ही हमें कभी कभी बहुत दुख भी मिलता है। क्योंकि जब किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो हर्ट हो जाता है, फिर उसका जो हर्ट है, जो दुख है, वो गुस्से में बदल जाता है, गुस्सा नफरत में बदल जाता है, और फिर एक नेगेटिव एनर्जी की साइकिल शुरू हो जाती है। तो वंडरफुल है, जिसको हम हेट लव रिलेशनशिप कहते हैं, कि जहाँ से सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था, वहाँ से ही फिर हमें सबसे ज़्यादा दुख भी मिलने लगता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर कई बार इतनी ताकत नहीं होती कि सारा जीवन हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे हमें स्वीकार कर सके। कई बार तो वो खुद खाली होता है, इसलिए उसको बहुत अपेक्षाएं होती हैं। और किसी किसी रिश्ते में तो फिर ऐसा हो जाता है कि दो जने हैं, लेकिन दोनों ही खाली हैं, और दोनों को ही एक दूसरे से बहुत अपेक्षाएं हैं, और दोनों की अपेक्षाएं पूरी ना होने के कारण उस रिश्ते में बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, तनाव हो जाता है, कि कभी कभी एक छत के नीचे हैं लेकिन बात भी नहीं हो रही होती। तो फिर कौन है जो हमें सच्चा प्यार दे सकता है? एक्चुअली में जब हम रिश्तों में आते हैं, तो जो रिश्तों का पर्पस है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी को पता ही नहीं होती, पता होती है तो भूल जाती है, रिश्तों का पर्पस लेना नहीं है, देना है। ये एक लॉ है। आज बिजनेस में भी लेन देन होती है, लेकिन रिश्तों में तो हमें सिर्फ लेने की ही इच्छा होती है। वो प्यार करे, वो सम्मान दे, वो मेरी बात को समझे, वो मुझे अंडरस्टैंड करे, ये रिश्ता नहीं है। बिजनेस भी लेन देन है, लेकिन रिश्ता तो है सिर्फ देना देना देना, उसमें तो एक्चुअली लेने की भावना होनी ही नहीं चाहिए। पर अगर सिर्फ देना 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 है, तो हमें भी तो अंदर से भरा हुआ होना चाहिए। कौन है जो हमें भर सकता है? वो एक्चुअली हमको पता भी है कि जो प्यार का सागर है, ओशन ऑफ लव है, वो परमात्मा ही है जो हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे हमें स्वीकार करता है। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमसे नाराज़ नहीं होता, हमारी गलतियों को पकड़ के नहीं रखता, और ही हमें शिक्षा और शक्ति देता है कि हम अपनी गलतियों को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बन सकें। तो ज़रूरी है हम उस प्यार के सागर के साथ संबंध जोड़ें और उसके प्यार को अपने जीवन में अनुभव करें। और जब हम उसके प्यार से भर जाते हैं, क्योंकि प्यार एक इमोशन है जो अंदर क्रिएट होना चाहिए, जब हम उस एनर्जी से, प्यार से भर जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली रेडिएट होने लगता है। हमें एक्चुअली किसी को प्यार करना नहीं पड़ता, हम इतने प्यारे बन जाते हैं कि वो वाइब्रेशन हमारे से रेडिएट होता है, और फिर वो रिश्तों में कई रूप में दिखाई देता है। प्यार के कई रूप हैं। अभी तो कई बार वो प्यार शब्द सुनते सुनते इतना मिसयूज़ हो गया है, उसको हम ठीक से समझते ही नहीं हैं। लेकिन प्यार क्या है? आज बच्चा स्कूल से आता है और वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म उसने नहीं किया है, वो उदास है, निराश है, परेशान है। अगर हमें उससे प्यार है, तो उस दिन हमारे प्यार का स्वरूप होगा कि हम उसको उसके दर्द से बाहर निकालेंगे। लेकिन कई बार रिश्तों में हमारा प्यार नहीं होता, अटैचमेंट होती है। वो दर्द में होता है तो हम भी दर्द में चले जाते हैं। जैसे कोई दो चीज़ें अटैच हैं, मानो ये दो हाथ अटैच हैं, तो इसको कुछ होगा तो इसका प्रभाव इस पर पड़ता है,
ये अटैचमेंट है, प्यार अटैचमेंट नहीं है, लगाव और प्यार अलग चीज़ है। अगर मुझे अपने बच्चे से प्यार है तो आज मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? आज तो बेचारा बहुत दर्द में है, आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको इतनी प्योर एनर्जी दूँ कि उसको उसके गिल्ट से, उसके जो अंदर में कॉन्फिडेंस कम है उससे उसको बाहर निकाल कर उसका स्वमान बढ़ाएं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उसका उमंग बढ़ाएं, तो हम कहेंगे कि हमने बच्चे को प्यार किया। हमने चिंता नहीं करी लेकिन उसको, उसकी केयर करी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, ये प्यार है। ऑफिस में किसी से गलती हो जाती है, उस गलती के लिए हमने उसको डांटा, कई बार होता है डांट देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं, लेकिन हमने उस दिन उसको डांटा नहीं क्योंकि हमने देखा वो तो पहले ही इतना गिल्ट में है। हमने समझा कि गिल्ट, गलती तो किसी से भी हो सकती है। हमने उसको एक और चांस दिया, वापस उसको ट्रस्ट किया, उसकी बातों को चित पर नहीं रखा, उसको माफ़ कर दिया। ट्रस्ट करना, फॉरगिव करना, ये प्यार है। रिश्तों में सारा दिन औरों से एक्सपेक्ट नहीं किया लेकिन उनको एक्सेप्ट किया, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार किया। वो परफेक्ट नहीं है लेकिन उसको स्वीकार किया और पॉजिटिव एनर्जी भेजी कि वो हमारे नज़दीक आ सके, क्योंकि जब कोई हमारे नज़दीक आएगा तो ही तो हम उसको कोई शिक्षा दे सकते हैं ना। अगर रिश्ते में कोई हमारे से बहुत दूर चला जाएगा तो हम उसको क्या शिक्षा देंगे? उसको हमारी शिक्षा समझ में भी नहीं आएंगी। तो वो जो हैं, जैसे हैं, उनको स्वीकार करना, पॉजिटिव एनर्जी भेजना कि वो रिश्ता और समीप आ जाए, ये प्यार है। एक्सेप्टेंस प्यार है। आज कोई मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा, क्रोध कर रहा है, रूडली व्यवहार कर रहा है, लेकिन उस दिन ये समझना, ये आत्मा दुखी है, दुखी है इसलिए दुख दे रही है। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, मुझे ईंट का जवाब प्यार से देना है। आज मुझे इनकी बातों को पकड़ना नहीं है, आज इनकी बातों को पकड़कर मुझे अंदर में दुख क्रिएट नहीं करना है। शांत रहना और उस आत्मा के प्रति रहम का भाव रखना कि कोई बात नहीं, कमज़ोर है, परवश है, ठीक हो जाएंगे, मुझे इनकी बातों को पकड़ना नहीं है। ये है प्यार, कि जब हमने क्रोध नहीं किया लेकिन हम शांत रहे और हमने उनको प्योर वाइब्रेशन भेजा। तो प्यार सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, पर जब हम किसी के साथ, किसी को विश्वास करते हैं, किसी की केयर करते हैं, किसी को ट्रस्ट करते हैं, किसी के प्रति रहम दिल होते हैं, किसी को माफ़ करते हैं, तो ये सब टोटालिटी में प्यार है। तो जब हम भगवान से प्यार लेते हैं और फिर उसको सारा दिन रेडिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबको हमारे से प्यार हो जाता है, क्योंकि लॉ अनुसार जो चीज़ चाहिए वो देना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम देते हैं तो वो एनर्जी सबसे पहले हमें मिलती है। आज हम किसी से प्यार से बात करते हैं, वो प्यार सबसे पहले हम महसूस करते हैं। आज हम किसी पर गुस्सा करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले हम महसूस करते हैं। तो हमें जो चाहिए वो देना है। जब हम देंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा, फिर वो उनके पास जाएगा, फिर लॉ के अनुसार जो हम भेजेंगे वही लौट करके आएगा, तो हमें दो बार मिलेगा। तो इसलिए हम भगवान के प्यार से अपने को भरें, उस प्यार को अनुभव करें, उसको दुनिया तक रेडिएट करें और फिर वही लौट करके आएगा। फिर आप देखेंगे कैसे सारे विश्व को ही आपसे प्यार हो जाएगा। ओम शांति।